हेलो दोस्तों, आज हम आपको E4 एरर के बारे में बताएंगे। और आज हमारे पास एक प्रिंटर आया हुआ है, इसमें देखते हैं E4 एरर किस वजह से। E4 एरर ज़्यादातर आता है या फिर पेपर जाम, या फिर वायर वगैरह कटी हो आपकी कोई अंदर, या सेंसर वर्क ना कर रहा हो, इस वजह से E4 एरर आता है। तो चलो देखते हैं इसमें किस वजह से। इसकी एनकोडर भी कटी हुई है और देखते हैं आगे। ये देखिए, इसकी मोटर की वायर कटी हुई है और दो तीन वायर और कटी हुई है। तो चलो इनको जॉइंट करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं। डस्टिंग देखिए, पहले इसकी सर्विस कर लेते हैं, एक बार प्लोर मार लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए, साफ कर लिया हमने और अब इसको जोड़ भी लिया है। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये इसकी एनकोडर जो कि हमने नई लगाई है, इसको पहले लगा लेते हैं इस साइड से। तो इसको लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि ये बीच में एक सेंसर होता है, उस सेंसर में के बीच में आती है। तो हम इसकी वायर लगा लेते हैं। जब तक इसे सेट कर लेते हैं, और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्रिंटर रिपेयर करने में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ये लग गए इनकोडर। देख लीजिए, ऑन हो गया। बाकी अब इसका कवर लगा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अब इसमें प्रिंट आउट देंगे। देखिए, प्रिंटर वर्क कर रहा है आपके सामने। ओके।